ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ମଥୁରାରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କୃଷ୍ଣମୟ ପରିବେଶ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ସାରା ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଥୁରାରେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। हमने यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां की हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डेक देख ही रहे हैं, डेकोरेशन कितनी अच्छी हुई है यहाँ पे ऐसे सब। और यहाँ गुरु महाराज भी आए हुए हैं वृंदावन से। बाबू जी जन्माष्टमी के बाबू जी हम सेवा कर रहे हैं, हमारे वीवीआईपी में सेवा है, तो जो वीवीआईपी गेस्ट आएंगे मतलब बड़े बड़े जो अफसर लोग आएंगे तो उनको हम आएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे, सबको दर्शन कराएंगे, वही सेवा है जी। एकदम जो न्यू जनरेशन है वो भी सवेरे से बैठ के फास्टिंग कर रहे हैं और भगवान के गुण कीर्तन कर रहे हैं, नाम भगवान के नाम कीर्तन करते हुए डांस कर रहे हैं, तो ये भगवान के नाम की महिमा जो युद्ध को भी भगवान की तरफ खींच के लेके आती है। भगवान कृष्ण को जन्मस्थान मथुरा रे हजार हजार भक्त भिड़ जमाई थिले। बहु संख्या रे भक्त मध्य दिल्ली रो इस्कन मंदिर रे पहुंची थिले। मंत्र जप शंख एवं घंट ध्वनि रे विभोर होइछंती भक्त श्रद्धालु। सेपटे गुजरात ओ महाराष्ट्र रे जन्माष्टमी अवसर रे दही हांडी भंगा उत्सव बेश आकर्षित होइछि। हर माँ की इच्छा होती है कि लाला उसके घर आए, लेकिन हर माँ को जब ये पता चलता है कि युद्ध की भूमि पर धर्म के संरक्षण के लिए लाला की जरूरत है, तो माँ कितना अपने तेज से अपने बालक को या बालिका को प्रोत्साहित करती है। आज प्रभु से हर माँ के लिए मैं वही बल, वही संबल, वही धैर्य मांगती हूँ। बालक हो या बालिका, भारत के नव निर्माण में युद्ध की भूमिका में नहीं बल्कि शांति की भूमिका में आस्था के पथ पर चलते हुए माँ भारती की वो सेवा कर पाए, ऐसे हर परिवार के हर बालक और बालिका के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव को नहीं उत्सव मुखर गाँ टू सहर विभिन्न मंदिर रे स्वतंत्र पूजा नीति आयोजन होता बेले धूप दीप नैवेद्य रे सारा परिवेश आराधनामय। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।